अगर मैं बात करूं चाइना की, क्या चाइना के अंदर कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट जाते होंगे? क्या हम अपने गंदम, चावल, अपने मसाले, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, या चाइना ही बहुत बड़ी मार्केट है कि उधर ही उनकी चीज़ें होती होंगी? नहीं, मेरा तो ख्याल कोई चीज़ चाइना में नहीं जाती होगी। मे भी पॉसिबल हमारे के ड्राई फ्रूट वगैरह जाते हों। क्यों, इंडिया की चीज़ें जाती होंगी चाइना में? हाँ, इंडिया की चीज़ें जाती होंगी चाइना में, ज़रूर जाती होंगी। क्यों, इंडिया की क्यों जाती होंगी, हमारी क्यों नहीं जाती? इंडिया ने एक मेयार बनाया हुआ, हमारा कोई मेयार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें गालबन नहीं जाती होंगी। बाकी मैं इंडिया चाइना गया तो नहीं, मे भी पॉसिबल कोई चीज़ें ऐसी हों जो जाती होंगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट हमारा बहुत अच्छा होता है। पिछले साल, इसी साल के तकरीबन 6वें 7वें महीने की बात है, हम यहाँ से गधे एक्सपोर्ट कर रहे थे चाइना। हो सकता है, मुझे नहीं पता, गधे जाते ही होंगे। चाइनी बड़े शौक से खाते गधे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की चेक करें ज़रा, ग्रोसरी मार्केट सारी इंडियन मार्केट से भरी हुई है। यहाँ पर ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ। ये चाइना के अंदर इंडियन ग्रोसरी सारी के सारी अवेलेबल है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकती हो। पाकिस्तानी चीज़ें गिन के भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये देखिए ज़रा, ये नेट बड़ा स्लो है एक तो हमारा। चल पे भाई, ये सुने क्या कह रही है। ये सारी जितनी भी ग्रोसरी है, सारी इंडियन ग्रोसरी अवेलेबल है, चेक करें वो आपके सुपर स्टोर्स के अंदर। और हमारे पाकिस्तान की गिन चुन के भी कह रही है कोई चीज़ नहीं मिली पाकिस्तान की, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो हमारी बड़ी वो बदकिस्मती है कि हर चीज़ देखे हम चाइना से मंगवाते हैं, जबकि हम खुद भी तैयार कर सकते हैं। जब वही चीज़ अगर हमारी बिजली इतनी महंगी है, अगर हम खुद तैयार करें कि फ़र्ज़ करें कि ऐनक है, हमारी कास्ट इस पर 500 आती है, चाइना हमें ये 100 रुपये में दे देता है या 50 में दे देता है। अब हमें क्या तकलीफ़ पड़ी है कि हम 500 में ये ख़रीदें? तो इसलिए हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि बिजली फ्री करें। अब बांग्लादेश ने बिजली फ्री की है, हमारी सारी इंडस्ट्री उधर चली गई है। देखें ना, वो वहाँ से मुझे एक बंदे ने बताया कि यार, एक जो आपका ये सूट है ना, 100 रुपये का मिल जाता है। तो हमारे यहाँ 100 का मिलता है, वही सूट हमारे 5000 का मिल रहा है। हाँ, तो वो क्यों? क्योंकि बिजली सस्ती है, जिसकी वजह से सारी प्रोडक्ट वहाँ चली गई है। अब वो हमारे कई ऐसे के पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दी है बांग्लादेश में। अब वो बांग्लादेशी उनकी इन्वेस्टमेंट को उठाने भी नहीं देते, इधर भी लाने नहीं देते, वो कहते हैं इधर ही रहो। वो जिसकी वजह से बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गया। वरना कई एक दौर ऐसा होता था कि बांग्लादेश की औरतें जो होती थी ना, वह कहती होती थी कि हमारे ऊपर पंखा नहीं है, वो पाकिस्तान में आती थी पंखे के लिए, क्योंकि हमारे पास तो पंखा नहीं है चलाने के लिए। लेकिन आप देखो माशाल्लाह, अल्लाह माफी, इंडिया पे भी ख़राब था, वहाँ पे भी गुरबत थी, लेकिन अभी के हालात देखे, 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी उनकी बन गई हुई है। अगर आप देखेंगे उनकी GDP देखे, कहाँ पर चले गए हैं सर वो, अगर फॉरेन रिजर्व उनके इतने ज़्यादा हैं, उनके पॉलिटिशियंस देखे कैसे काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, कैसे देखते हैं। जब किसी मुल्क में आपके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है, तो क्या उस प्रोडक्ट को जब कोई बायर देखता है कि ये मेड इन पाकिस्तान की है, तो इसे प्राउड नहीं बढ़ जाता? कितना प्राउड बढ़ गया होना कि इंडियंस का, क्या अपने प्रोडक्ट चाइना के अंदर वो सेल कर रहे हैं दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी मार्केट के अंदर? नहीं, ये नहीं, टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। देखें टैलेंट किधर है, हम कहते हैं टैलेंट है, तो वो टैलेंट जिधर है वो नज़र भी आ रहा है ना। अभी आप देखें बांग्लादेश में टैलेंट है, वो टैलेंट नज़र आ रहा है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हमारा अगर इतना टैलेंट है, तो वो टैलेंट नज़र क्यों नहीं आ रहा? थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।